सिंगापुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा भारत में आए आर्थिक क्रांति, डाकघर बने बैंक। फिनटेक फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं ने आज दुनिया को अपनी तकनीक की शक्ति दिखाई है। यह इवेंट इसी शक्ति को दिखाता है। मैं अपने देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे यहां कीनोट भाषण देने का मौका मिला है। आपको बता दें कि फिनटेक फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल माना जाता है। राफेल लड़ाकू विमान सौदा सड़क संसद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में। आज होगी एमएल शर्मा और विनीत धांडा के अलावा एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई। याचिका में राफेल लड़ाकू विमान सौदे में गड़बड़ियों का लगाया गया है आरोप। छठ महापर्व के चौथे दिन छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ। 36 घंटे का निर्जला अनुष्ठान हुआ पूरा। इसी के साथ 4 दिन के छठ महापर्व का हुआ समापन। महापर्व के अंतिम दिन सुबह के अर्घ के लिए घाटों पर जन सैलाब उमड़ता दिखा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंड। आज भी है बारिश के आसार। मंगलवार सुबह शुरू हुआ हल्की बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह तक चला। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी को भी ठंड बढ़ने की एक वजह माना जा रहा है। आज बस चंद लम्हों के बाद शादी के बंधन में बंधेंगे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। इटली के लेक कोमो में दोनों एक दूसरे के साथ लेंगे शादी के साथ वचन। इटली से आ रही खबरों के मुताबिक शादी से पहले दोनों परिवारों ने सिंधी और कोंकणी रीति रिवाज के अनुसार दीपिका और रणवीर ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई है और यह रस्म पूरी की है। हालांकि अभी तक कोई भी तस्वीर बाहर नहीं आई है।